जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु का नाम अतीन्द्रिय कैसे पड़ा, इसके बारे में इसी आज वीडियो इसी बात पर समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की जय। देखिए, आज का विषय जो है वीडियो बनाने का, वह ये है कि भगवान विष्णु का नाम अतीन्द्रिय कैसे पड़ा। तो जो नाम अतीन्द्रिय होता है उसके अर्थ क्या क्या हैं। देखिए, अतीन्द्र का पहला अर्थ है कि जो इंद्रिय ज्ञान के बाहर हो। दूसरा अर्थ है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना किया जा सके। तीसरा अर्थ है अगोचर, और चौथा अर्थ है अप्रत्यक्ष। तो इतने अर्थ हैं भगवान विष्णु के, भगवान या अतीन्द्र के नाम के। तो अब भगवान विष्णु को अतीन्द्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं भगवान विष्णु को अतीन्द्रिय क्योंकि आप इंद्रियों ज्ञान के बाहर रहते हैं, मतलब इंद्रियों से आप भगवान विष्णु को नहीं समझ सकते हैं। भगवान विष्णु को अतीन्द्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भगवान विष्णु को अतीन्द्र इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु अगोचर हैं। भगवान विष्णु को अतीन्द्र इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु अप्रत्यक्ष हैं। तो इन्हीं सब कारणों से भगवान विष्णु को अतीन्द्रिय कहा जाता है। तो अब तो स्पष्ट हो गया होगा भगवान विष्णु को अतीन्द्र क्यों कहते हैं। अब देखिए, भगवान विष्णु का एक मंत्र भी है इसी नाम के, तो वह मंत्र है ओम अतीन्द्रियाय नमः। पढ़ना कैसे है? ओम अतीन्द्रियाय नमः, ओम अतीन्द्रियाय नमः। तो इस प्रकार से इस मंत्र को आप 15 से 20 मिनट आँख बंद करके पढ़ सकते हैं। मंत्र पढ़ने से पहले भगवान गणेश का नाम जरूर लें 5, 7 या 11 बार। पीले आसन पर जरूर बैठें, पीला वस्त्र जरूर धारण करें, और इसके अलावा धूप बत्ती जरूर जलाएं, और हो सके तो घी का दिया भी जलाएं। तो देखिए, आज हमने आपको बताया कि भगवान विष्णु को अतीन्द्र क्यों कहते हैं। तो अब हमें आज्ञा दें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। एक विनती ये है कि ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।